था कि मैंने 2 बजे तो ब्लॉग एडिट कर लिया था, मैं घर मेरी आँख खोली उस वक्त तो नींद आ रही थी कि मैंने अपलोड नहीं किया, तो अभी मेरी आँख खोली है तो मैंने ब्लॉग को अपलोडिंग पे लगा दिया है और आप सबके पास आ जाएगा। अभी तो बस फ़िलहाल क्या टाइम हो रहा है, अभी तो 7 बज रहे हैं तो आप लोगों के पास आ जाएगा, 7:30 तक आ जाएगा। तो अब मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है, क्योंकि मैंने कहा चलो नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ, उठी हो तो नमाज़ भी बंदा पढ़ ही लेता है, तो मैं नमाज़ पढ़ी। तो बस अब मैं जा रही हूँ सोने, तो आप सबको मिलूँगी मैं नाश्ते के वक्त, तब तक के लिए आप लोग भी सोते। अच्छा जी गाइस, तो अब मैं उठ गई थी और मैंने अपने लिए फ्रूट चाट बना ली थी, क्योंकि भाई सब मुझे संडे वनडे को पराठे शराठे मुझे पसंद ही नहीं है तो मैं खाती भी नहीं हूँ, तो बस सब ने अपने लिए पराठे वराठे बना लिए थे। गाइस तो फिर अब दोपहर का टाइम हो चुका है और मैं गई सुबह 12:30 पर मैं कोचिंग चली गई थी, तो मैंने सिर्फ हल्का फुल्का दिखा दिया था क्योंकि उठी उस वक्त थी, तो अब उठी हूँ मैं प्रॉपर तरीके से। जब कोचिंग के बाद आई हूँ तो अम्मा खाना बना रही थी, अम्मा खाने में वैसे मटर पुलाव कह रही हूँ, आलू बटर गाजर बना रही हैं, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और अभी क्या टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं अभी, तो बस आप लोग इन्जॉय करिएगा मेरे ब्लॉग को और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। अभी आलू मटर गाजर का शोरबा बन चुका है और बस जब बन जाएगा तो तब दिखा दूँगा। बाबा गोश्त लाए थे तो अम्मा गोश्त धोने लगी, तो मैंने वैसे कहा कि चलो भाई आटा गूँध लो, तो मैंने आटा गूँधने लगी, तो सबसे पहले आटा गूँधने के लिए कुछ छाना मैंने, फिर उसके बाद आटा गूँधूँगी। तो वैसे संडे का दिन हमारा पता नहीं बोरिंग दिन लगता है मुझे, संडे का जहर दिन लगता है, सैटरडे दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि होता ना कि अगले दिन छुट्टी होती है, मगर मेरा तो ऐसा था कि अगले दिन छुट्टी भी नहीं थी, मुझे कोचिंग जाना था वो भी 12:30 बजे, ऐसा पता नहीं कहाँ यार। अच्छा जी, तो फिर यहाँ पर जो मैं नमक डाल रही हूँ ना, ये हमेशा होता था कि जब भी मैं आटा गूँधती थी ना मैं नमक डालना हमेशा हमेशा भूल जाती थी, तो आज मुझे जब मैं वीडियो बनाने लगी तो मुझे था कि मैं नमक डालना ना भूलूँ भाई, वरना मम्मा से हमेशा डांट खाती थी कि भाई तुम तो नमक डालना भूल जाते हो, मगर मैंने इस बार नमक डालना बिल्कुल नहीं भूली मैं। तो भाई मैंने आटा वाटा गूँधा था, मगर शक्ल से तो आटा आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने बहुत गंदा गूँधा, मगर मैंने बहुत अच्छा गूँधा था भाई। और फिर मैंने कहा चलो खड़ी भी हो तो तुम जैसे पेड़े भी बना दो, तो मैंने आप लोग कही कि इसने तो पूरी रोटियां बना दी, तो मैंने पेड़े वेड़े सब कुछ बना दिया था, सिर्फ एक ही रोटी बनाई थी। फिर उसके बाद मम्मा आ गई थी क्योंकि मेरी रोटियां कुछ ज़्यादा ही अजीब अजीब सी शक्लों की बन जाती हैं, तो बस मैंने मम्मा को दे दिया था। मम्मा जो हैं गाजर का हलवा बना रही हैं जो हम खाएंगे रात को, ये तो कुछ नहीं है। और साइड पे ये खाना बन चुका है आलू मटर गाजर, अब हम खाना खाने जाएंगे, ठीक है, मतलब यही खाएंगे आज, खाना खाने जाएंगे नहीं। अच्छा जी, तो बाबा भाई रात के लिए मछली ले रहे थे, तो मेरी बहन जो है ना भाई मछली पे मसाला लगा रही थी ताकि अच्छे से मसाला जो है ना अंदर घुस जाए। अच्छा जी, मैं खाना खाने बैठ गई हूँ और भाई हमारे घर में बहुत ही अरसे बाद आलू मटर गाजर बना था। गाइस तो अच्छा, हम अभी तो हम जा रहे हैं चेज़ा, वैसे मतलब जो था ना छोटी मोटी चीज़ें लेने, तो मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज़। और मेरी बहन ओवर हो रही है, बाय। अच्छा जी, तो भाई आप लोग कहेंगे कि मैं मॉल गई तो मैंने दिखाया विखाया कुछ नहीं, तो भाई मैंने इस वजह से नहीं दिखाया, वहाँ पे इतना रश था ऐसा लग रहा था सबको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं। तो भाई हम जब हमें पता नहीं था कि वहाँ पे कुछ सेल वेल लगी हुई है, तो जब हम गए तो हाँ जो ना इतना रश हो रहा था, तो हमें जो मिला मतलब जो हमें समझ आया तो हमने ले लिया, मतलब ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं ली जो हम लेने गए थे, तो बस ऐसे आ गए हम मतलब छोटी छोटी चीज़ें लेके। तो भाई यहाँ पे जो है ना मैट्रिक के मतलब फर्स्ट ईयर के फॉर्म्स आ चुके हैं, तो अब मैं वो फॉर्म फिल करने जा रही हूँ, बस मैं ये चीज़ें रखी हुई हैं और मैं फिल करने जा रही हूँ। और जो ऐसा था कि मैंने जो सोचा था ना वो मेरे इसमें नहीं आ रहा, तो मैं इंशाल्लाह प्री इंजीनियरिंग करूँगी, और आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि मेरा अच्छा से अच्छा रिज़ल्ट आए। मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करूंगी, आप लोग मेरे लिए करिएगा। तो अब मैं जा रही हूँ फॉर्म फिल करने, तो बस
अच्छा जी, तो यहाँ पे मेरे भाई रात का वक्त हो चुका है और यहाँ पे मछली चल रही है और बराबर में गाजर का हलवा बन रहा है। बेचारा दोपहर से बनता हुआ यार और अभी तक बन ही रहा है, और आधी फ्राई हो चुकी है और कुछ हो रही हैं, तो बस अब हम खाना खाने जाएंगे। और यहाँ पे भाई वो जो था ना, क्या कहते हैं, मछली के साथ एक चटनी होती है, वो मैं चटनी बना रही थी जो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे बस मैं मछली खाने जा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलें, अल्लाह हाफिज़ जी गाइस। तो फिर अब मैंने व्लॉग एडिट कर लिया है और बस अब यहाँ पार्ट रहता है कि जिसको मैं एडिट करूँगी और सुबह उठ के मैं डाल दूँगी अपलोडिंग पे। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ही भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए बाय।